ओम शांति। आज बाबा की मुरली के साथ साथ मीठी मम्मा की भी वाणी है, जिसमें हमको वाणी के द्वारा मम्मा ने बाबा ने अनुभव कराया या लक्ष्य दिया क्या, कि ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, ये पूरा जो झाड़ है इसका बीज कौन? इसका बीज तो है परम पिता परमात्मा शिव। ये जो ज्ञान हम सुनते हैं ये हमको परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अभी बाबा ने कहा है कि ये सब मनुष्यों के लिए ज्ञान है। ये जो परमात्मा का ज्ञान है ये पूरे विश्व के प्रति है, सर्व आत्माओं के प्रति है, सबकी सदगति के लिए परमात्मा अभी ये ज्ञान हमको देते हैं। तो क्योंकि ये सर्व के प्रति ज्ञान है तो सर्व आत्माओं को इस ज्ञान लेने का अधिकार है। ये ईश्वरीय ज्ञान सबके लिए है और सर्व को इस ज्ञान को लेने का अधिकार है। इस राजयोग की विधि के द्वारा जो परमात्मा ने सिखाया हमको, इस योग की विधि के द्वारा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना है। तो अभी श्वासों श्वास क्या करना है? श्वासों श्वास अपना बुद्धि का योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना है। ये हमको लक्ष्य मिला है कि निरंतर श्वास श्वास बाबा की याद में रहना है। इसी को कहते हैं अजपा जाप। अभी बाबा के आगे बाबा कहते हैं कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की याद निरंतर चल सकती है, इजी है, सहज है, बहुत सहज है। क्यों है? क्योंकि आत्मा बच्चे को अपने बाप को याद करना है। मन वचन कर्म भगवान बाप को उसके ऑक्यूपेशन उनकी एक्टिविटी उनके गुणों सहित संबंध सहित शिव बाप को याद करना है। तभी सन शोज फादर करेंगे। एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा बाप की याद में मुझ आत्मा को रहना है और निरंतर याद में रहना है। याद से ही कर्मातीत बनते हैं। नेचुरल याद हो, अजपा जाप हो, तो ये अटेंशन मम्मा की मीठी वाणी के द्वारा हमको आज मम्मा ने दिलाया है। अब इसको धारण करने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।